ठीक है भाई जी, का ये विशेष टॉपिक है संकल्प। तो आज मेरा वो सौभाग्य है कि दोबारा हम अपने कबीर भाई का स्वागत करते हैं। यदि हो सके तो आप अपना कैमरा चालू करिएगा। देर इज अन इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर दिस क्लास, सो प्लीज मेक श्योर यू प्रेस द अप्रोप्रिएट बटन फॉर दिस प्रोग्राम। तो भाई साहब, आपके सामने जो भी बैठे हैं, जितने भी फेसेस हैं, तो लगता है कि सारे विश्व के लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि काफी फेसेस हैं जो हम नहीं पहचानते हैं। सो पहले तो आपका स्वागत, उनका स्वागत, फिर मैं ये कहूं कि यदि हमें कबीर भाई का परिचय कराना पड़े तो मैं नहीं समझती उनको कोई परिचय की जरूरत है ना। जो दिल से, जी जान से, इतनी YouTube के द्वारा, ईश्वरीय खजानों के द्वारा कितनी ना सेवा देते हैं, घर बैठे बैठे हम सबने कितना फायदा फायदा लिया है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सच में मेरे दिल में आता है कि सच में जो ऐसी आत्माएं हैं जो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, बाबा ऐसी आत्माओं को हम सब के लिए निमित्त बनाते हैं ताकि हम उड़ान पहुंचे। तो वैसे तो भाई साहब का करियर में देखो तो वैसे तो भाई साहब के करियर में मॉडलिंग था, तो लेकिन बाबा ने उनको सच्चा हीरा बना दिया, सच्चा मॉडल बना दिया है ना, सत्युग का मॉडल बना दिया। तो भाई जी बहुत विशेष आत्मा है कि जब बाबा के घर पहुंचे, दर पर पहुंचे, तब से निश्चय बुद्धि, जैसे बाबा कई बार कहते हैं एकदम झटकू, है ना, बैं बैं गेंगे करने वाले नहीं। तो ऐसे हमारे भाई बहुत बहुत हमारे लिए विशेष है, तो आज हम उनको उनका दोबारा स्वागत करते हैं। वेलकम भाई साहब। तो आपके पास 1 आवर एंड टोटल आपके पास 20 मिनट है, आप जैसे योग्य समझे। ओके, थैंक यू। अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो यदि हो सके तो यदि आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हम जरूर भाई साहब को अंत में आपका अगर टाइम मिला तो प्रश्न अवश्य पूछ लेंगे। सो थैंक यू, ओवर टू यू भाई साहब। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी। शांति, आपको फिर से देखकर सामने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर थैंक यू। कमिंग टू अनुभूति सैन फ्रांसिस्को यूएसए, बिना बिना फ्लाइट, बिना टिकट, है ना। थैंक बाबा ने ऐसा एंजल बनाया हम सबको कि एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाते हैं। सही सही, संकल्पों की शक्ति से दीदी ने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं भी भूला हुआ था अपने बारे में ही, जो मुझे याद आई, और ये याद आते हुए मुझे कुछ याद आया। जब मैं इस ज्ञान में आया तो मुझे ज्ञान में आने से पहले भी मेरे मन में कुछ प्रश्न चला करते थे कि ये मन कैसे काम करता है। कुछ बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते थे जिन्हें मैं हमेशा रिलेट करता रहता था। अगर मन ने अब ऐसा किया, अच्छा तब ऐसा किया, तब ऐसा क्यों किया, तब ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन उनके जवाब मेरे पास नहीं होते थे। मेरे मन के पास भी उनके कोई जवाब नहीं थे। जब ये ज्ञान मिला तो तब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं मन के बारे में स्टडी कर सकूं। तो स्टडी करते हुए मुझे एक स्टोरी याद आई जो मैं कभी बहुत साल पहले कभी मैंने पढ़ी थी। वो स्टोरी वाकई ही इतनी शानदार लगी मुझे, और मैं उसे भूला हुआ था, लेकिन जब मैंने ये कोर्स किया तब मुझे वो स्टोरी याद आई। और आज वो छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा जरूर, और इस स्टोरी को अगर आप समझ लें तो आप मन को समझ जाएंगे, संकल्प शक्ति को समझ जाएंगे, और नेगेटिव थॉट या व्यर्थ विचार करने से पहले बहुत बार सोचेंगे। मैं सामने रखूंगा। एक बार एक राजा बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। उसके राज्य में ढेर सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो परेशान राजा महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है।
महात्मा जी उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसे एक बॉटल देते हैं, कहते हैं इसे ले जाओ और अपने राज्य में जाकर खोलना। वो उस बॉटल को लेकर आता है और उसे अपने यहां के खोलता है। जैसे ही वो खोलता है उसमें से एक जिनी प्रकट होता है। वो बाहर निकलते ही बोलता है, हुकुम मेरे आका। तो राजा कहते हैं कि मेरे राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स समस्याएं हैं सब खत्म कर दो। तो वो तो जिनी था, वो गया, 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आ गया, राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा से उसने बोला कि हे राजन, मैंने सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी है, मुझे और काम दो। तो राजा कहता है, मेरे पास तो और काम नहीं है। तो वो कहता, नहीं मुझे और काम दो। तो वो कहता है, मेरे पास और काम नहीं है। कहता है, मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा डर जाता है। डरा हुआ राजा दौड़कर वापस महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी को सारी बातें बताता है। तो महात्मा जी कहते हैं, तुम्हें काम करो, अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी करो, लेडर सीढ़ी खड़ी करो, और इस जिनी को बोलो कि इस सीढ़ी पे चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। राजा ने आकर वैसा ही किया और वो जिनी सीढ़ी पे चढ़ने उतरने लग गया। राजा उससे मुक्त हो गया। अब आप सोचिए, जरा विचार करिएगा पहले तो, कि जिनी जो इतना पावरफुल है, जो 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है, वो ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहा है? सीढ़ी पे चढ़ उतर क्यों रहा है? वो ये भी तो कह सकता है ना कि मैं ये क्यों करूं, क्या मैं बेवकूफ हूं? लेकिन नहीं, वो कर रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि जिनी के पास शक्ति तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, और ये जिनी कोई और नहीं, मेरा मन है। मन में बुद्धि नहीं होती, बुद्धि अलग है, मन अलग है। बुद्धि मेरे पास है, मन के पास बुद्धि नहीं है। ये समझने की बात है। मन बहुत भोला होता है, मासूम है मन। मन को जो आप विजुअलाइज करके दिखा देंगे, मन उसे सत्य मान लेगा और उसे सिद्ध करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। जरा विचार करिए कि जब राजा ने जिन से कहा था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो एक काम कर, मेरा महल गिरा दे, तो वो तो महल भी गिरा देता। वो ये थोड़ी ना कहता कि राजा आप ये क्या ऑर्डर दे रहे हैं, महल क्यों गिरवा रहे हैं? वो तो गिरा देता। वैसे ही यहां राजा हम हैं और मन हमारा जिन है, और वो महात्मा शिव बाबा यानी परमात्मा है। आप देखिए कि हम क्या कर रहे थे इस ज्ञान को लेने से पहले। हमारा मंद रूपी जिन हमसे कहता रहता कि मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और हम उसे काम नहीं दे पाते थे। तो हमारे ही जीवन रूपी महल को वो निरंतर गिराता रहता था, हमें खाता रहता था, और इस खाने का ही परिणाम ये था कि हमारा चेहरा हमेशा उदास और उतरा हुआ रहता है। था बोलूंगा, उतरा रहता नहीं है, उतरा रहता था। अगर आप पहली बार भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर आपने राजयोग नहीं भी किया है, तो भी यही स्वीकार करें, था। अब वो बात बीत गई, आज से एक नया जन्म हुआ है, और जो हम सुन रहे हैं उसे स्वीकार करते जाएं। तो यहां पर हमें इस बात पर गौर करना है कि अगर वो कहता कि मेरे महल को गिरा दे, तो वो गिरा देता,
वैसे ही हम भी अपना महल इस मन रूपी जिन से गिरवाते आ रहे हैं। जैसे राजा ने महात्मा की मदद ली, वैसे ही हम परमात्मा की मदद लेते हैं। परमात्मा शिव हमें ज्ञान देते हैं कि इस मन रूपी जिन के लिए एक सीढ़ी लगा दो, और उस सीढ़ी को इस तरह लगाओ कि सीढ़ी नीचे धरा पे हो और ऊपर वो परम धाम को टच करे। एक अभ्यास करेंगे हम कि वो सीढ़ी नीचे धरा पर है जहां हम अभी साकार वतन में पाठ बजा रहे हैं, और ऊपर से उस सीढ़ी में परम धाम को टच किया हुआ है। जरा एक विजन देखिए, बहुत बड़ी सीढ़ी है, ऊपर परम धाम को टच कर रही है और नीचे धरा पर है। अपने मन रूपी जिन को बोलिए चल इस पे चढ़। देखिए देखिए कैसे चढ़ के वो जा रहा है परम धाम। बुद्धि एक सेकंड में परम धाम में लग जाएगी आपकी। देखिए जरा परम धाम को, वो लाल सुनहरे रंग का आकाश, जिसमें आत्मा रूपी सितारे चमक रहे हैं। सितारों के मध्य हम आत्माओं के पिता ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। स्पष्ट देखे, बिल्कुल स्पष्ट। जिनकी असंख्य किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं, ये परमात्मा की शीतल किरणें मेरे मन में प्रवेश कर रही हैं। अपने मन को एक बिंदु के रूप में देखें वहां, और परमात्मा की शक्तियां मेरे मन में प्रवेश करती जाती, मेरी चमक बढ़ रही है। मैं ज्ञान सूर्य का बच्चा हूं, जैसे परमात्मा ज्ञान के सूर्य हैं, वैसे मैं भी ज्ञान से भरपूर हूं। परमात्मा का ज्ञान मुझात्मा में भरा हुआ है। ये दिव्य ज्ञान पूरे दिन मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे जीवन को सहज बनाता है, सुखमय बनाता है। सीढ़ी से जिनको नीचे उतरता हुआ देखें, और देखें स्वयं को मस्तक के बीच। तो यहां पर मुझे विशेष अटेंशन देना है कि इसका लाभ लेने के लिए मुझे सबसे पहले सवेरे, जिसको बाबा कहते हैं अमृत वेला, उसका लाभ लेना है। और वो करने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं मन के इस नियम को भी जानूं कि जब मैं सवेरे सोकर उठता हूं, उस वक्त मेरा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। जैसे किसान, क्योंकि मैं भारत में एक किसान परिवार से हूं, तो मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूं कि खेती कैसे होती है।
तो वो मैं आपको बता सकता हूं कि मन बिल्कुल उपजाऊ जमीन की तरह होता है, और किसान क्या करता है, उपजाऊ जमीन में बीज डालता है, चुन चुन के बीज डालता है वो। क्योंकि अगर उपजाऊ जमीन में बीज ना डाले जाएं तो उसमें खरपतवार अपने आप उग आती है, जिसको हम कबाड़ भी कहते हैं, अपने आप ही उग आती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसमें चुन चुन कर बीज डाले जाएं। वैसे ही मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है सवेरे उठते ही, जैसे ही मानो जैसे मैं सोया हुआ हूं और मेरी आंख खुली, ये पहले सेकंड से मेरे मन की जमीन एकदम उपजाऊ है। इस समय पर मुझे वो बीज डालने हैं जैसा मैं अपने जीवन को देखना और बनाना चाहता हूं। मानिए मुझे अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है, स्वयं में ये परिवर्तन लाना है कि मैं ईर्ष्या मुक्त हो जाऊं। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा संस्कार है जो खुद को बहुत ज्यादा जलाता है, और मनुष्य इसके बारे में इतना अवेयर होता भी नहीं है, जलता रहता है जलता रहता है। लेकिन हम जब सवेरे उठें तो इसके लिए हम एक स्वमान रखें कि मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा, या मैं ज्ञानवान आत्मा हूं। और अगर हमारा ज्ञान का पाठ अच्छा है, हम मुरली वगैरह अच्छे से अध्ययन करते हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो धरा पर जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मैं मास्टर ज्ञान सूर्य इस देह की प्रकृति में मस्तक के मध्य चमक रहा हूं। सवेरे उठते एक बहुत सुंदर विजन बनाए, मस्तक के मध्य चमक रहा हूं, और जैसे ही मैं उदय होता हूं मेरे प्रकाश फैलना शुरू होता है, मैं ईर्ष्या मुक्त हूं। अगर ईर्ष्या का कुछ भी ऐसा अंदर है कि किसी की सफलता को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो उस ईर्ष्या को एक ब्लैक स्पॉट की तरह देख सकते हैं आप, जो कि इन किरणों में जल के भस्म हो रही है। मैं ईर्ष्या मुक्त हो रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर ज्ञान कितना बड़ा काम करता है। जैसे ईर्ष्या हमें किससे होती है, हमें ईर्ष्या कभी व्यक्ति से नहीं होती है, हमें ईर्ष्या होती है उसकी सफलता से। जबकि हम सफल होना चाहते हैं, हमें किसी ऐसे व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं होती जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है, राइट। हमें ईर्ष्या उससे होती है जिसके पास कुछ है। इसका मतलब हम मनुष्य से ईर्ष्या करते ही नहीं है, हम उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। यानी हम अपने माइंड को इनडायरेक्ट वे में ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई मुझे ना सफलता से ईर्ष्या है। और अगर आपको सफलता से ईर्ष्या हो तो सफलता आपके पास क्यों आएगी, तो सफलता तो नाराज हो जाएगी ना। अगर आप मुझसे ईर्ष्या करें, मुझे पता है मुझसे ईर्ष्या करता है, तो मैं भी आपसे दूर दूर भागूंगा। वैसे सफलता हमसे दूर दूर भागती है। मानो किसी के पास धन इनफ है और मेरे पास धन इनफ नहीं है, तो मैं उसके धन से ईर्ष्या करता हूं, तो धन मुझसे नाराज होगा और दूर दूर भागेगा, और मैं कहूंगा कि धन मेरे पास क्यों नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ही गलत है, मेरी सोच ही गलत है। सोच को चेंज करना है। बिना संकल्पों के स्वयं में हम कोई परिवर्तन ला ही नहीं सकते, क्योंकि संकल्प है बीज। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि हमें अपने आप को अमृत वेले, सवेरे उठते ही जब सवेरे उठते अमृत वेला, तो अपने आप को चेक करना है कि मेरा मन सभी आत्माओं के लिए शुभकामना और शुभ भावना से भरा हुआ है। सिंपली समझेंगे, शुभकामना मतलब शुभ इच्छाएं। दूसरों के लिए हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो शुभ है क्या? मैं उसके फायदे के लिए वो इच्छा पाले बैठा हूं, या अपने फायदे के लिए इच्छा पाले बैठा हूं? अगर मैंने अपने फायदे के लिए कोई कामना रखी हुई है किसी भी आत्मा के प्रति, तो वो अशुभ कामना है, वो शुभ कामना नहीं हो सकती। और अगर वो अशुभ कामना है, तो अशुभ कामना आपे ही अशुभ अशुद्ध व्यर्थ संकल्पों को जन्म देती है, और अशुद्ध संकल्प जन्म देते हैं अशुभ भावना को। अगर मुझे अपने चित्त को शुभ भावना से भरना है हर एक आत्मा के लिए, तो चेक करें कि मेरी शुभकामना उनके प्रति है, शुभकामना है, मैं उन्हें क्यों बदलना चाहता हूं, मैं उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता हूं, मैं क्यों ये सोचता हूं कि पूरी दुनिया मेरे जैसी हो जाए।
विचार करें सब कबीर भाई जैसे हो जाए, सब श्वेत वस्त्र पहन लें, सब ऐसे ही बोलें, तो ये जी कितना बोरिंग लगेगा ये ड्रामा। सेम वे विचार करें कि अगर सब मेरे जैसे हो जाए तो ड्रामा कितना बोरिंग हो जाएगा। 3 घंटे की, 2 घंटे की पिक्चर कोई देख रहा है और उस पिक्चर में जो एक कलाकार का रोल है वही सब कलाकार का, यानी सबका सेम रोल है, जो हीरो कर रहा है वही सब कर रहे हैं, तो कितनी बोरिंग पिक्चर होगी, कोई देखेगा उसे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही ये 5000 वर्ष की एक पिक्चर है जिसमें हम सभी आत्माएं कलाकार हैं और सबका अपना अपना रोल है। जो आत्मा जो रोल प्ले कर रही है उसको वही रोल मिला है और उसको वही प्ले करना है, वो चाहे भी ना तो भी उसको प्ले करना है। और ये एक्सेप्टेंस मेरे चित्त को बहुत शांत करती है, एकदम शांत। हर एक आत्मा अपना अपना रोल बजा रही है। अब देखना, अगर आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई कामना होगी ना, वो शुभ ही होगी, क्योंकि यू डू नॉट वॉन्ट टू चेंज देम। अब आप उन्हें बदलना नहीं चाहते हैं, आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। और स्वीकार करते क्या होता है, हमसे बहुत डिवाइन, बहुत प्योर एनर्जी, क्योंकि एक्सेप्टेंस दिव्य गुण है, तो दिव्यता की एनर्जी उस आत्मा के पास जाती है। और अगर उसमें कोई कमी है, खामी है, उस दिव्यता की शक्ति, वो दिव्यता के गुण की जो एनर्जी उसके पास जा रही है, उससे परिवर्तन होने में उसे मदद मिलती है। हम देखते हैं इसमें तो अपने आप ही चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए ये कार्य हमें सवेरे उठते ही करना है। परमात्मा कहते हैं सवेरे उठते ही पहला संकल्प यही हो कि मेरा मन हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना से परिपूर्ण है। देखना इतना अच्छा मेडिटेशन होगा, किसी को भी मुझे चेंज करना ही नहीं है। सबसे ज्यादा अभ्यास अगर जीवन में करना है तो यही कि आई एक्सेप्ट एवरीवन, मैं सबको स्वीकार करता हूं। क्योंकि हमारे दिन भर में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनमें से अधिकतर इसी को लेकर चल रहे हैं कि उन्हें हमें बदलना है बस। वो ऐसे क्यों खाते हैं, ऐसे क्यों चलते हैं, ऐसे क्यों बात करते हैं, वो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम इतने पुरुषार्थ कॉन्शियस होते हैं, मतलब हम योग करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, सेवाएं करते हैं और दूसरे थोड़ी कम करते हैं, तो ये बात भी हमें कई बार डिस्टर्ब करती है कि अच्छा बताओ ये तो कम मुरली पढ़ते हैं, ऐसे कोई करता है क्या, बताओ बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते। और इस चीज को लेकर हम इतना ज्यादा मथते हैं उस बात को अपने अंदर, इतनी नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा को भेजते हैं, और जब नेगेटिव एनर्जी को ऐसे हिलाया जाता है ना अंदर अच्छे से, तो वो मेरे मन का पक्का वाला हिस्सा बन जाती है, एकदम सफेद कपड़े पे दाग लग जाता है। मैं देख रहा हूं कि वो मुरली कभी कभी मिस कर देते हैं या वो अमृत वेला मिस कर देते हैं, और इसके चिंतन में मैं हूं। मैं देख रहा हूं कुछ ही दिनों में मुझसे भी अमृत वेला मिस होने लग गया है अभी, तो ये होता है। इसलिए सवेरे उठते ही अपने मन को शुभ भावना, शुभ कामना से भरना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं सवेरे उठते ही अपने आप को ये थॉट दूं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। देखो हम आपको अमृत वेले के उसमें कई तरह के अलग अलग थॉट देंगे। आप ये मत सोचना कि भाई जी ये तो दूसरा थॉट दिया, अभी दूसरा दे रहे, लेना कौन सा है जो आपको सूट करे या जो आपकी परिस्थिति है। दूसरा कि मन को कभी भी एक ही तरह का भोजन नहीं देना है। रोज अमृत वेला आप एक ही थॉट पे करेंगे तो मन बोर हो जाएगा, इसलिए आप संकल्प भी चेंज करते रहें तो इंटरेस्टिंग बना रहता है। जैसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है हम अगले सेशन में कुछ और डिस्कस करने लग जाएं, या हो सकता है अभी हम कुछ और बताने लग जाएं, लेकिन हमें ये देखना है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अनुसार मुझे स्वयमान लेना है, लेकिन विधि वही रखनी है जो हम शेयर कर रहे हैं साथ में, ठीक है। जो भी बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो ही हमें विधि रखनी है, बस स्वयमान चेंज कर देने हैं। तो इसके लिए अक्सर हम एक रिहर्सल करते आए हैं। उसके रिहर्सल क्या है कि जब रात को सोने जाते हैं, जब रात को सोने जाएं तो रात को सोने से पहले एक रिहर्सल करें कि मैं सवेरे उठते ही क्या करने वाला हूं। कई बार क्या होता है, सवेरे उठते हैं नींद का प्रभाव होता है, तो नींद के प्रभाव में ना कोई थॉट ही क्रिएट नहीं होता, और होता क्या फिर ये होने लगता है, ये हल्के हल्के झुटके से आने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि रात को सोने से पहले एक रिहर्सल कर लीजिए
तो रिहर्सल करते क्या होगा, माइंड को कमांड चला जाएगा कि सवेरे आपको इतने बजे उठना है और उठते ये कार्य करना है। तो देखिएगा अमृत वेला का भी झटका नहीं आएगा। बहुत आत्माओं की कंप्लेन है कि भाई जी सवेरे उठते ही नींद आती है। नींद आने का कारण है कि रात को रिहर्स नहीं किया गया है कि मुझे सवेरे उठ के क्या पुरुषार्थ करना है। तो ठीक है, अभी हम छोटा सा रिहर्सल करके देखते हैं। क्या मानिए रात के 8 बजे है, सॉरी 8 बजे तो आपने कोई भी नहीं सोता, 9 बजे या 10 बजे, ठीक है चलो 10 बजे लेते हैं। 10 बजे आप सोने जाते हैं, ठीक है। 10 बजे जैसे ही बिस्तर पे पहुंचते हैं तो बैठ जाइए। अब मनन चिंतन करेंगे हम बैठे बैठे और एक विजन बनाना शुरू करेंगे। जो भी बोल रहे हैं ये आपको विजुअलाइज करना है और फिर ऐसे ही रोज अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है अमृत वेले के लिए, ठीक है। तो देखेंगे कि मैं बैठा हूं और मैं अपनी बुद्धि से विजुअलाइज करता हूं सवेरे के समय को, मॉर्निंग के टाइम को, अमृत वेले के समय को। करें जब घड़ी में 3:30 और 4 o'clock हो रहे हैं, अमृत वेले का जो भी उठने का समय हो आपका घड़ी में देखें साफ एकदम स्पष्ट। उठ गए हैं आप, स्वयं को जागता हुआ देखें, ब्रह्म मुहूर्त आप जाग रहे हैं। जाग रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, अनकंडीशनल मुस्कुराएं। मुस्कुराएं, मुस्कुराएं। धीमे से आंखें खोलें और सामने देखें, बिल्कुल बिस्तर के एकदम सामने बाप दादा खड़े हैं एंजेलिक फॉर्म में। जिनके अंग अंग से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है, जिनके तीनों नेत्रों से प्रकाश का प्रवाह मेरे ऊपर आ रहा है, जैसे मानो सवेरे शॉवर लेते हैं वैसे मेरा मन ज्ञान पवित्रता और शक्तियों का स्नान कर रहा है। बाप दादा अपनी बाहें फैलाते हैं, आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में आओ। देखें साफ एकदम साफ विजन कि मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं और बाबा की गोद में चली जाती हूं। बाबा मुझे गोद में समाकर दृष्टि दे रहे हैं, बाबा के नैनों से शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। बाप दादा मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं, बच्चे विजयी भवा।
एक्सेप्ट कर लें इसे। बाप दादा के दोनों हस्त जो रुई सुकोमल है, कॉटन की तरह सॉफ्ट, और वो मेरे सर के ऊपर ऐसे रख देते हैं। आप ऐसे रख भी सकते हैं, अनुभव करें आंख बंद करके, क्लोज योर आईज एंड फील बाबा के कॉटन से भी मुलायम हाथ मेरे सर के ऊपर रखे हैं। कुछ सेकंड रखा रहने दें, अनुभव करें उन हस्तों से लाइट मेरे ब्रेन में जा रही है। ब्रेन के एक एक सेल में शिव बाबा की लाइट समा रही है। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। श्रेष्ठ संकल्प धारी भव। बच्चे सभी आत्माएं आपके अपने भाई हैं। यहां कोई पराया नहीं, आप सब मेरी संतान हैं। मेरे बच्चे सबको दिल से स्वीकार करो। सबके लिए हृदय का प्रेम हो, जैसे बाबा से प्रेम करते हो ऐसे ही आत्माओं से भी प्रेम हो। बाबा मुझे दृष्टि देते हुए लोप हो जाते हैं और मैं अमृत वेले बैठा हुआ दिव्य नेत्र से पूरे विश्व में हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देख रहा हूं। सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, प्योर आत्माएं, पवित्र, डिवाइन। ओम शांति।